अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। मैं आपका दोस्त प्रिंस मजीद। मैं दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तो दोस्तों, मैंने घर का काम शुरू किया हुआ था, तो जो हमारा काम था वो मुकम्मल हो चुका है। ये आप देख रहे हैं, मेरा जो डेरा हमाद हसन था वो अब बिल्कुल रेडी हो चुका है, साफ़ हो चुका है, क्लियर हो चुका है। पेंट का काम जो है वो मैंने ख़त्म कर दिया है। हमने इसकी अब जो मुकम्मल सेटिंग थी वो कर दी है। भाई की शादी है तो इसलिए हमने जो हमारा मकान था वो हमने सारा न्यू बना दिया है। तो देख रहे हैं, पहले का व्यू भी आपने देखा होगा कि कैसा था, और ये मैंने अब चॉइस कलर किया है। आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको ये जो मैंने घर तैयार किया है अपने हाथों से किया है, पेंट जो है वो मैंने अपने हाथों से किया है। तो हमारा पेंट मुकम्मल हुआ है। मैंने इतने दिन मसरूफ़ रहा तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। और ये जो हमारा रूम है, ये हमारे भाई जान का है जो जिनकी शादी है, तो ये खाली पड़ा हुआ है। अभी उनका सामान आएगा तो हम इसमें रखेंगे। ये फ़िलहाल वैसे हमने चार पाइयाँ डाली हुई हैं इधर, और ये देख रहे हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया है, घर न्यू बना दिया है। ये हमारा पुराने वाला घर है, न्यू जो शहर में टाउन में बना रहे हैं वो अभी काम बंद किया हुआ है। शादी के बाद उसका काम भी शुरू करेंगे। तो ये हमारे अब्बा और अम्मी जान का कमरा है, ये भी बिल्कुल साफ़ है, क्लियर हो चुका है। इसमें सामान जो हमने निकाला था पेंट करने के लिए, तो इसकी भी शिफ्टिंग कर दी है, ये मुकम्मल क्लियर हो चुका है। दरवाज़े वगैरह जो हैं वो भी पेंट हो चुके हैं। तो आइए, आपको अब मैं अपना कमरा दिखाता हूँ। मेरी शादी जो है वो पहले हो चुकी थी, तो हमारा जो कमरा है ये है, ये हमारा बेडरूम है। ये जो मेरे वाला रूम है ये बहुत बड़ा रूम है, ये आप देख रहे हैं काफ़ी लंबा और चौड़ा रूम है। ये हमने बड़ा बनाया था, फिर हमने उधर शिफ्ट करना है सामान नए घर में। तो ये देख लें, इतनी मेहनत के बावजूद बच्चों ने दीवारों पे क्या कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारा काम था हमने शादी से पहले की शुरू कर दिया था कि ताकि हमारा जो काम है वो जल्द ख़त्म हो जाए। तो इसलिए अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ, और अब मैं डेली वीडियो भी बनाऊँगा और डालूँगा। तो घर का काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है, अंदर से भी और बाहर से भी मुकम्मल हो चुका है। तो अब शादी की तैयारी है और वीडियो आपके साथ शेयर करनी है। तो ये मैंने गेट पे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है, अगर आपको अच्छी लगे तो आपने बताना है कि कैसी लगी आपको। ये देख लें, ये मैं आपको बंद करके भी बाहर का व्यू दिखाता हूँ। ये हमारा फ्रंट है, तो वेदर शीट जो हमने किया है, पहले हमने और कलर किया हुआ था, तो भाई ने कहा कि अब हमने कलर जो है वो चेंज करना है, थोड़ा सा डार्क कलर हो। पहले हमने लाइट कलर किया हुआ था, तो इसलिए हमने सोचा कि अब थोड़ा डार्क कलर कर देते हैं। तो ये भी लाइट डार्क है, ये लिखाई भी जो मैंने खुद की है, ये आप देख लें।
ये सारा हमारा बाहर की तरफ से है। पहले हमने लाइटें वगैरह लगवाई थी, तो अब ये हमारा जो काम है बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। ये आप देख रहे हैं। और अगर आपने भी कहीं पेंट का काम करवाना हो तो मुझे बता देना, मैं खुद तो इतना नहीं करता, लेकिन मेरे पास टीम है, मेरे शागिर्द भी हैं, और एक जो लड़का मेरे साथ काम करता था वो भी काम करता है, कज़न भी है। तो हम इधर काम झंग में अगर किसी को पेंट वालों की ज़रूरत हो तो वो रابطہ कर सकता है कमेंट में। एक ये गेट है हमारा बाहर की तरफ, दो गेट हमने लगाए हुए हैं। ये इधर वाला हमने प्लास्टर भी नहीं किया हुआ, तो ये वैसे ही हमने छोड़ दिया है। उधर न्यू घर बना रहे हैं तो इसलिए हमने कहा इधर थोड़ा काम जो है काम कर देते हैं। अभी शादी थी तो हमने टाइम गुजारने वाली बात की है, तो अगर उधर मकान मुकम्मल हो गया तो फिर बाद में हम इधर इसको थोड़ा बनाएंगे VIP माहौल। जी तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सारा घर दिखा दिया है कि मैंने किस तरह पेंट किया है, और जो मैंने रंग किया है उसमें जो मेरी हालत थी वो भी आपने देख लिया है। और अब मैं जो बिल्कुल नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ, काम जो है वो क्लियर हो चुका है। तो दीजिए अपने प्रिंस मजीद को इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।